उज्जैन में धमकियों से परेशान एक महिला अपने बेटे के साथ पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला को आवेदन देकर शिकायत की और मदद की गुहार लगाई। उज्जैन के ढांचा भवन क्षेत्र में निवास करने वाली एक महिला अपने बेटे के साथ पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची और रो रो कर अपनी परेशानी बताई। शिकायती पत्र सौंपकर एसपी से बताया कि मैं बेहद परेशान हूँ और डरी हुई हूँ। अब मेरा मोहल्ले में रह पाना दुश्वार हो चला है क्योंकि एक बदमाश के द्वारा मुझको बेवजह डराया और धमकाया जाता है। मेरे साथ जालसाजी भी की गई है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने पीड़ित बेटे और मां की बातों को सुनकर जांच के निर्देश दिए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रकाश नगर देते हैं। यहाँ पे क्या है आप? यहाँ पे हमारे मकान के प्रधान ने मेरा मकान बड़ा रखा है और मैं इनके डर के मारे राजस्थान में रहती हूँ। मेरी मम्मी के इधर मेरे को मार कूट के इन्होंने भगा दिया है। मेरे को मेरा मकान छीन लिया है इन्होंने। मैं कहाँ जाऊँ रहने के लिए? मेरी तो एक ही नौबत आ गई है, तो बस जेल खा के मर ले कि मेरा बच्चा भी है। पापा का पूरा संदेश का पैसा का सुप्रीम है हमारे पास के सब रखा है। आए आप लोग? सर मेरे को है ना, मेरा मकान छीन लिया इन लोगों ने, मुकेश भदाले ने मेरे को मार कूट के भगा दिया इन लोगों ने। जब जब मारने की धमकी देता मैं राजस्थान चले जाती हूँ मेरी मम्मी के यहाँ। कब तक रहूँ वहाँ पे? मेरा मकान मैंने मेरे आदमी के मरने के बाद में, मेरे पति विजिलेंस लोकायत में थे कोठी पे, उस उनके मरने के बाद में मेरा मकान बनाया है। पूरी सर्विस के पैसे उस मकान में लगा दिए हैं। मेरा एक मकान अलग था, वो मकान भी इसने हड़प लिया है। ना मेरे को मकान मिला है, ना मेरी गाड़ी मिली है, और मेरे को मारने की धमकी देते हैं। मैं कब तक मेरे माँ बाप के रहूँगी? कितने पैसे आपसे ले लिए अभी तक उसने? उसने मेरे से पैसे ले लिए सर, कम से कम है ना जो 1 लाख के लगभग से ज़्यादा तो ले चुके हैं। ये सब मकान वकान मिला कितने पैसे का आपको? मकान वकान लेके टोटल हमारे 25 लाख से ज़्यादा हो गए। कहाँ कहाँ पर शिकायत की आप लोगों ने? मैंने कहीं पर भी नहीं की सर शिकायत, अभी तक मारने की धमकी देते हैं। यहाँ आई हूँ शिकायत करने की, ऑफिस में आई हूँ यहाँ शिकायत करूँगी क्योंकि मेरे को कोई मौका नहीं है। कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ, मेरे कोई समझ में नहीं आती क्या? मैं कैसे रहूँ मैं मेरे बच्चे को लेके, कि मेरे बच्चे को मेरे को मारने की धमकी देते हैं ये लोग कि तुमको जान। कौन से मोहल्ले में थी आप? मैं पहले नारायणपुरे में रहती थी सर। किसने नारायण मकान कहाँ पर है? मकान कहाँ पर है? ये प्रकाश नगर में है मकान मेरा, मकान नंबर 4। कब से परेशान है आप? मैं 2013 से। 13 से परेशान है जी। 2011 मेरे पति शांत हुए थे, 2013 से परेशान हूँ मैं। जब जब मकान लेने के लिए जाती हूँ मेरे को मकान देता नहीं है, वो मेरे को मारने की धमकी देता है, इधर उधर से गुंडे भेज देता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।